अल्लाह की कसम इसके बारे में तो 6 मंगनियां टूटी हुई है। इसकी है ये बहुत ज्यादा ठंडा और कोई लोग पे गर्म होने की कोशिश कर रहा है। ये मजाक बड़ा हो गया, सब लिए सब बंदे इसके लिए दुआ करो। देखती आंखों सुनते कानों को आशीष सागर का सलाम। तो आज का सीन दोस्तों कुछ ऐसा है, जशान भाई की तरफ से पार्टी। जशान भाई देखते हैं हमारे लिए ट्रकों वाले अड्डे पे अल मशहूर अल मदीना होटल, जो नाम है तमाद का। आपको अंदर का रिव्यू दिखाते हैं, मगर जशान भाई क्या खुला रहे हो आज? आज भाईजान हम आपको ना एक मशहूर स्पेशल अफगानी कढ़ाई खुला रहे हैं। आज दावत का इस्तेमाल इसलिए है कि हम पंजाबियों को जरा बताना चाहते हैं कि भाई खाने की लज्जत किसे बोलते हैं। ये कढ़ाई जो है ये बिल्कुल खुश्क होती है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक अदरक लहसुन और कुछ भी नहीं। पठान किसमें मजबूत होते हैं भाई, 80-80 साल के होते हैं, 3-3 शादियां करवाते हैं, खाना तगड़ा खाते हैं। वाह जशान क्या बात है। अब वो एक बंदा 2 किलो ये वाली कढ़ाई खाता है, हम यहाँ वाले मसाले खाते हैं, लज्जत खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर हम आज हमने करवाई है स्पेशल चांपे। चांपे, वाह जी वाह। सिर्फ चांपो के साथ स्पेशल सीने का गोश्त, ये 2 चीजें हमने करवाई है। और आज आप खाओगे और आप बताओगे कि क्या खाना खिलाया जशान भाई ने। ये होटल कौन सा है? ये होटल है अल मदीना पठान, यहाँ स्पेशल खुद ही आ जाते हैं ऑर्डर के लिए। और ये लियाज भाई भी आए हुए हैं माशाल्लाह। लियाज भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, बड़ी यार तारीफ है जशान भाई आपकी कर रहा है। हमारा एक मियार है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मियार अच्छा था, शनिवार ही भाई थी। वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है आपका मियार अच्छा है। देखो गोश्त भी अच्छा है आपका। आए जशान दिखाएं यार, इसका एम्बिशन देखो, गोश्त इनका बिल्कुल फ्रेश किस्म वाला होता है, डेली कटता है इनका बकरा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो खाने की खुशबू इनकी खींच के ले आती है। अभी देखो दोनों गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हैं। हाँ जी खड़ी हैं, इनकी मोहब्बत की वजह से खड़ी हैं इतनी रात को। भाई घर से बेगम की सुन के आए लेकिन खाना इन्हीं के पास था। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं खाना बड़ा वीआईपी बनेगा। ये कटिंग शटिंग अभी होना शुरू हो जाएगा। ये उस्ताद है, ये बकरे की चांपे ये देखो इन्होंने गाने की। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, गोश्त कैसा है? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा गोश्त है। आप भी अच्छे हो ना? आप अच्छे हो तो सब चीजें अच्छी हैं इंशाल्लाह। ये बस थोड़ी देर रह गई है, हमारा जो गोश्त है वो अब आखिरी मराइल के अंदर आ जाएगा जब कढ़ाई में आएगा, और फिर आपको दिखाएंगे कि कढ़ाई के अंदर लज्जत क्या होती है। तो विजिट करें यार होटल का, अल मदीना होटल की तो क्या बात है। फिर है सबसे बड़ी बात, अंदर सारे मुफ्त भर भी बैठे उनको। चलते अंदर की तरफ है, जशान भाई से दिखाएं व्यू करवाएं। भाई व्यू का तो बनता है, होटल का व्यू ना बने तो फिर भाइयों का हमारे से शिकायत रह जाएगी। पहले यार गोश्त वोश्त तो चेक करें है। गोश्त में अभी हाँ बिल्कुल, ये देखो यार फूड क्वालिटी के अंदर भाई नो कम्प्रोमाइज, फूड इनका सबसे अच्छा भावन नगर के अंदर, फ्रेश बकरा और फ्रेश बंदे और फ्रेश खाने वाले ऐसे ही है बिल्कुल। आ जाओ यार, ये कटिंग शटिंग की जगह है और इनका यार ओपन किचन है जो बहुत अच्छा। हाँ जी भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है आपका? मकसूद भाई हमारा ऑर्डर में कितनी देर है? अभी तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। ये क्या बन रहा है? मटन बन रहा है। नमकीन? चलो जी माशाल्लाह बड़ा मॉल शॉल बनाया हुआ है। हाँ जो अंदर का भी लेते हैं, अभी दाले शाले भी है यार, सब कुछ ही है। ये भाई भी हमारे बैठे हुए हैं, ये देखो जी माशाल्लाह अल मदीना होटल जो नाम है एतमाद का, और ये बड़ा वीआईपी इनका हाल बना हुआ है। आ जाए दिखाएं यार लियाज भाई, अंदर वाले देखो किस तरह मजमा कट्ठा होया पड़ा है, बंदा इनसे पूछे कि फूफी की शादी में आए। ये नईम भाई बैठे, नईम भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र आपका सर। कैसा बना हुआ है मटन चिकन? मैं कहता हूँ कमाल है, पूरे बाबा नगर में इस तरह का इंशाल्लाह खाना नहीं होगा। बिल्कुल जी सुन के तो ऐसा ही कुछ आए हैं। जो बात है भाई भी हमारे खड़े हैं यार, बड़ी मेहनत की है। क्या हाल है भैया, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक है आप? कैसा बना हुआ है खाना? सब बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई भी बैठे हैं। सफाया मुन्ने भाई क्या हाल है? सारा सफा चट किया है माशाल्लाह। बात तो सही है। खाया तो क्लियर है ना, कैसा बना हुआ था ये बताओ? नहीं नहीं बड़ा मजेदार था, मजेदार था ना। चलो माशाल्लाह। और भाईजान आप ठीक है? ओए 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 ओए,
ओए 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 ये तो महफिल जमी हुई है दोस्तों की है। इमरान भाई, जुनेद, कोडू, अल्लाह की कसम इसके बारे में तो 6 मंगनियां टूटी हुई है। 5 पहले टूट गई थी, छठी अब हुई है वो भी टूट गई। कोडू भाई इस साल भी तू रन में। हाँ दोस्तों, ये रिव्यू है माशाल्लाह मदीना होटल। जब भी आओ तो जरूर यहाँ का खाना खा के जाएं। अलियास भाई बहुत अच्छा माहौल है, बहुत आला और VIP है। नहीं, जो हमारी वीडियो देख के होटल पे आएगा उसे कल 20% डिस्काउंट है, सिर्फ कल के लिए। पूछ ले भाई लिया। यार ये आग जाला क्या मॉल बनाया हुआ है, कढ़ाई इसमें खानी है। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी बहुत है। अदनान भी है? हाँ आसिफ भाई जी, मैं भी हूँ। और ये तो नजर नहीं आ रहा था ना, पहले भी लोग बड़ी वजह से बात थी वो। ना यार, नुमान के साथ ना करो यार, घर वाली ने परेशान हो गया है बेचारा। तू भी बेटा परेशान जल्दी हो जाएगा, जो तुझे परेशान। सोनू तू कैसे चुप है? हाँ जशान भाई, इसकी है ये बहुत ज्यादा ठंडा और कोई लोग पे गर्म होने की कोशिश। क्या कह रहा है जा दिए? आज तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कर ले दो। आवाज नहीं आ रही, इमरान भाई साथ बैठे। अल्लाह अकबर। बच्चे नौजवान है, इनका एहतराम भी जरूरी है। इनको हमारा एहतराम कर दीजिए, हमें भी एहतराम कर दीजिए। थोड़ा सा माँ बाप को भी अच्छे से एहतराम कर लिया करो। ऐसी शक्लें एहतराम के काबिल नहीं, चंदो के काबिल नहीं। ऐसी शक्लें चंदो के काबिल है, एहतराम के काबिल नहीं। इनके तो माँ बाप भी नहीं एहतराम करते, इनकी सगी बहनें भी एहतराम, ऐसे लोग का एहतराम किसी हराम हरामों का भी एहतराम। हमें मुंह बेच के लोटा ले ले, नमाजी बनेंगे। गजब बेइज्जती है। लो दोस्तों, तो ये हो गए शुरू, खाना बन रहा है। शादी के ही शादी के नाम पे दबा इसका पाता पाता देखा आसाइयों का थड़ा। अरे बस कर भाई, ऐसा नू इसके बाल तो देखो। अलियास भाई सुन रहे हो इनकी बातें? हैं इनकी बातें सुन के बहुत मजा आ रहा है। आप इनका मसाला देख के इधर न्यू चौधरी को डंड पड़ा हो। दशान ये क्या? अबे भाई, और ये डेली सुबह ना छापर पहन के नाता कि अगर मैं पानी ना पड़े। इसकी शक्ल देखो जैसे डिंटोनी की खबर थी। और कौन से शक्ल देखो तो ऐसा लग रहा कुत्ती स्टैंड पे लगा। बाईपास के रास्ते से तो चार मराठी आ रहे हैं। जी जशान भाई, कढ़ाइयों पे आ गया है? कढ़ाइयों पे आ गए हैं। और जरा इसकी खुशबू और इसका एम्बिशन चेक करें कि इसका जरा है किस मजे का। और मुझे तो अभी से इसकी खुशबू ना ललचा रही है। अब जरा कढ़ाई पे जरा मारे। अच्छा, हाय हाय हाय, इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई मिर्च नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुनाई होगी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और हम इसको खाएंगे मजे लेते हुए, मजे लेते हुए लज्जत के साथ खाना खाएंगे हम इसका। और ये देखो दोनों, अभी तो धुआं शुआ नजर आ रहा है भाई, माशाल्लाह। अंदर से निकलेंगे तो आप इसके देख के कहोगे कि बहुत खाना। नहीं भाई, क्या पी रहे हो? जी चाय, अभी खाना खाया आपके सामने, खाना खाया कमाल का खाना खाया, यकीन करें। नहीं होटल की तो बात है जो मजेदार है, जैसा वो सच कहते हैं, जैसा सच्चा नाम है मदीना होटल, वैसा सच्चा खाना है। बिल्कुल ऐसे है जशान, मदीना वालों की निस्बत से होटल है। और वाकई में खाने में बुरा खाना हो तो मैं बोल देता हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन इनका भाई खाना बड़ा मजे का। अब ये सिर्फ पानी निकलेगा और उसके बाद सिर्फ हमें ये भुनवा गोश्त मिलेगा। और ये सेहत के लिए और जस्मानी रूहानियत के लिए भाई बड़ा अच्छा हमने। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बहुत VIP है हमारे भाई, बोल देते जो। तो यार खाना जाना तैयार हो रहा है, बड़ा अच्छा मजेदार, दोस्तों की भी महफिल अंदर लगी हुई है। खुशबू, खुशबू की लपटे कुछ ऐसी है कि दिल ना बस कर रहा है कि कढ़ाई में शुरू हो जाए और फटाफट उस्ताद जी दे दो और हम शुरू हो जाएं।
चलो जी, दोनों कढ़ाइयां लगी हुई हैं अपने काम के ऊपर और अभी खाना आएगा तो फिर खाना खा के बताएंगे। अच्छा क्या बना है इसमें? मिक्स मसाले तो है नहीं, है सिर्फ और सिर्फ खुश्क और टोटल नमकीन बनवा रहे हैं। आज अफगानी एक हमारा पठान है, सिर्फ उसकी फरमाइश पे ये खाना खा रहे हैं। पहले हम लोधरा भी गए थे, वहाँ भी हमने नमकीन बनाया था, कामरान भाई है। ओ भाई भी मजेदार था। उसको भूल जाओगे आप लोधरा वाले खाने को? लो जी कामरान, नहीं भाई कामरान भाई भी अच्छे हैं, वो वीआईपी है, ये भी वीआईपी। वैसे देखते हैं आज उनकी टक्कर इनसे हो भाई रही है। दोनों का भाईजान सरगोधा वर्सेस अल मदीना होटल का मुकाबला, आज देख लेते हैं जी कौन सा खाना वीआईपी। आपने कमेंट देना है सरगोधा नहीं लोधरा। बस दो दफा हो गए ये प्रोग्राम वाले का भाई। चलो जी खाना जाना तैयार हो रहा है दोस्तों। ये ओपन किचन है, वीआईपी मॉल है, राने रूने कटी हुई हैं, ये जोड़ा भी आया हुआ है हंसों का, माओ बिल्ली और तीसरी भी है भाई। हाँ जी वो तीसरी दूसरे वाले टेबल के नीचे चली गई। हाँ भाई भागती फिर इनको डालो यार कोई बहुत अच्छे थे, ताजा बकरा बनाते हम ना जी बिल्कुल। दो तीन बकरे बिल्ली को डालो यार कुछ, और माशाल्लाह इसे भी डालो यार, ये देख रही है आपकी तरफ। इसलिए कहते हैं हर खाने खाने वाले पे लिखा उसका नसीब। आज ये जानवरों को डालते हैं तो अल्लाह पाक इनको भी इनके नसीब का देता है यार, ये देखें। ठंडी ठंडी रात है, ठंड हो रही है और खुश मटन के मजे लिए जा रहे हैं। मजे ही मजे लिए जा रहे हैं मटन के। है जिशान भाई कहाँ स्पीड से पकड़ लिए क्या हो गया भाई? कोयले खा ले भाई। कौन कोटू भाई खाई जा रहा? क्या यार कोटू, खुदा की कसम तेरे पे जो तेरी चल रही है उस पे भी लानत, जो गुजर गई उस पे लानत, 2024 में ना हो तो तेरी हर चीज पे लानत। क्या कर रहा है ये क्या था? ये इसकी जुबान है, अफ्रीकन है ना ये। अच्छा ये ताड़ी वाली जुबान तो कुछ और लग रही है। अफ्रीकन है सब अफ्रीकन है तो शान भाई बस ना पूछो तो कुछ भी। ना यार कोडू के बारे में ना को यार कोई भी ऐसी बात कोई गलत कमेंट सुना कर इस पे चादर चढ़े इसमें सब दो, है? इस पे चादर चढ़े जुगतना मारो अल्लाह के बंदे चुका कर इसे हम जुगते मारे लोग दी जुतियां मारे। यार दोस्तों सबसे मेरी यार अपील है कि इस भाई के लिए दुआ करो, 6 मंगनियां टूट गई हैं। यार दोस्तों का भी ताबून चाहिए इसे, और उसका ताबून कैसे होगा? इसके लिए दुआ करो, इसके गुर्दे खराब हो गए हैं। ताबून इसका इस तरह होगा, इसका अखबार में इश्तिहार दे दो, बेचारे की जुबानी खत्म होती जाए। मैं कह रहा हूँ इसमें रह क्या गया है? ये बेचारे दाद नहीं, वैसे तो माशाल्लाह भाई नहीं नहीं यार माशाल्लाह, वैसे दोस्तों हंसी मजाक की एक अलग बात है, हंसी मजाक की 100 बात है। ये हमारा बड़ा प्यारा भाई है कोडू भाई। अरे कोडू भाई वैसे मजाक कर रहे भाई, बात सुन लो, अब ये मजाक बड़ा हो गया, सब लिए सब बंदे इसके लिए दुआ करो अल्लाह पाक के रहम करे। चलो दुआ दोस्तों, खाने का इंतजार हो रहा है तो जैसे ही खाना आता है तो आपको बताते हैं कैसा बना है और कैसा लजीज टेस्ट है। और ये देखो माशाल्लाह 5 किलो जितना बन रहा है ना, अल्लाह की कसम ये बंदा देख लो। नहीं आज मैं खाना खा गया। खाना खा गया, चल घर जा फिर। तू तो जा यार। एक और ये दूसरा हमारा पारू देख लो, इधर मुकर है आपा। कल से रोटी नहीं खाई है इसके बाल। इमरान भाई को भूख लगना शुरू हो गई है। भूख लग रही है भाई, खाने की बहुत भूख लग रही है, बकीर हो गई है। अपनों को भूख किस टाइम नहीं लगती? रात को 2 बजे के बाद नहीं लगती, सोए होते तब नहीं लगती। आसिफ भाई क्यों देर हुई है? प्रेशर कुकर में खाना बनता ही तो करिए, और किसी प्रोफेसर और किसी
और दो तो इनकी थप चलती रहेगी, खाना आता है तो जल्दी जल्दी मिलते हैं, फिर बहुत ज्यादा तलब हो रही है यार। A few moments later. जी दोस्तों, तो खाना शाना आ गया है, सब भाई मुझे बहुत बुरे तरीके से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एजाज ये हमारा छोटा चितन देखो, हमारा शहजादा, वो तो तू तो घर से खा के आया था, तू तो क्या खा के आया हूँ भाई, जी हल्का फुल्का टेस्ट कर ले भैया, तो पानी इकट्ठा हुआ। ये हमारा जी शनवारी आ गया है, दो कढ़ाइयां बन गई हैं जी। जशान भाई क्या चीज है ये? शनवारी नहीं है, ये अफगानी खुश्क कढ़ाई है। अच्छा, अभी इसकी लज्जत देख लो, इसका मटन ये देखो कितना शदीद किस्म का। क्या बात है, कैसा है खाने का तरीका बैठन? ये लजीज बड़ा मजे का है। रायता भी आ गया है, रायता सलाद भी आ गया भाई, रायता शायता आ गया है। इमरान भाई भी बस लग रहा है शुरू होने वाले हैं, खाना शाना आ गया है। और कोई इसकी फैसिलिटीज क्या है यार? इसकी फैसिलिटीज ये है कि जो 70 साल का बाबा है, 20 साल का जवान हो जाएगा। चलो जी फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके। तो यार मुझे तो चेक कराओ कैसा है यार इजाज़ भाई। अच्छा, आप कुछ बोल नहीं रहे हो यार इजाज़, आप चुप कैसे हो? ये लो जी सब खाओ जी, ये देखो जी सबील खुल गए, बरकतें लो सारे टेंडर। सर तो और ये है एक जेंडर मजे आए यार इजाज़, ये तो वाकई कमाल का, अल्लाह की कसम जो बात है। पढ़ा यार बहुत पढ़ा है बस, है क्या नहीं बनाया जिसमें के साथ होती है। मगर मजेदार बहुत वीआईपी बना यार, मसालों के साथ खाना खाया तो क्या खाया ये दोस्तों। तो दोस्त सब हमारे टूट पड़े हैं शनवारी को और अफगानी कढ़ाई को, तो मैं पीछे ना रह जाऊं यार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Few minutes later. जी दोस्तों, तो खाना जाना खा लिया है, खाना बड़ा ही वीआईपी था मदीना वालों का। इजाज़ भाई कैसा था खाना? सब चौकस वीआईपी, यकीन करो पेशावरी शनवारी याद आ गया। अच्छा जी, सोनू भाई बड़े मजे का, अदनान, हाँ भाई जुनेद, इमरान भाई, पेशावर की फीलिंग आ रही थी हमें तो आज। हाँ जशान पीछे कैसे हो? ऊपर से भी ऊपर वाला खाना था नहीं, बस और कुछ नहीं। है जाज वो देखो ना ऐसा, वो देखो अंदाजा लग जाएगा आपको कैसी पकाई थी। सर पे जाके देख लो यार, बोतल चोतल भी डाल लो यार। बस 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 बस, नुमान भाई कैसे उदास उदास लग रहा है, पेट ज्यादा भर गया। अच्छा दोस्तों, तो खाना शाना खा लिया है और सर्दी में बोतल शोतल भी पी रहे हैं, लड़ाई बड़ी वीआईपी थी, खा के बहुत मस्त मजा आया। ट्रकों वाले अड्डे पे आओ तो अल मदीना वाले का खाना जरूर खाओ। तो इसी के साथ हमें इजाजत दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टन टन वाला बटन तो भूलो ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज।